मैं महेंद्र सर, क्लास 10A, सब्जेक्ट सीरीज चैप्टर 4 का है जात धर्म और लैंगिक मसले के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। कल हमने आपको धर्म के बारे में बताया था कि धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ करके ही हम आगे की ओर विकास कर सकते हैं। राजनीति को न तो धर्म से अलग कर सकते हैं और न ही धर्म को राजनीति से। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, बशर्ते वह धर्म जो है जनता के अनुकूल हो, और ऐसे परिस्थितियों में धार्मिकता के आधार पर ही हम अपना स्वावलंबन का जो है विकास कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे सांप्रदायिकता। क्या अध्ययन करेंगे? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता धर्म के तहत ही उत्पन्न होती है। जब एक समूह के लोग किसी एक विशेष धर्म की मान्यता देते हैं और दूसरे धर्म को अपने से नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, उसे सम्मान नहीं देते, तो उस समूह के लोग सांप्रदायिकता के आधार पर अपना अलग नीति तैयार करते हैं और राजनीति से जोड़ करके जो है देश को विखंडित करने का जो है कार्य करते हैं। इसलिए वह सांप्रदायिकता देश के लिए एक चुनौती बन जाती है, देश के लिए खतरा जो उत्पन्न कर देता है। देखिए यहाँ स्पष्ट दिया गया है, समस्या तब और भी विकराल हो जाती है, समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। जब दावे अपना पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है, जो दूसरे धर्म के अनुयायी होते हैं या धर्मावलंबी लोग होते हैं के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं, उसके विपरीत जो है आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कब होता है? जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माने जाने लगता है। ऐसी परिस्थितियां तब उत्पन्न होती हैं या ऐसा परिवेश तब होता है कि जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने को जो श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं, अपने को धर्म से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। दूसरे समूह के विरोध में क्या करने लगता है? खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल, इस प्रक्रिया में राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में, किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है। तो ऐसी स्थिति क्या होने लगती है? विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना, राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता जो राजनीति में क्या कर सकती है? अनेक रूप जो धारण कर सकती है और देश को किसी भी मोड़ पर जो है ला करके खड़ा कर सकती है। सांप्रदायिकता का ही देन है कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत दो राष्ट्र के रूप में दिखाई देने लगा, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। सांप्रदायिकता के आधार पर ही अंग्रेजों ने इस स्वरूप में भारत का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। तो यहाँ स्पष्ट किया है कि सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। पहला देखिए, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही सिखाती है, अर्थात रोजमर्रा के जीवन में ही जो यह अभिव्यक्ति क्या सांप्रदायिकता जो सिखाती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समूहों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, इतनी आम है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जबकि ये हमारे अंदर ही क्या होती है? बैठी होती है, समाहित
रहती हैं और इस स्वरूप में सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों के विचारों में विभिन्नता आती है, द्वेष उत्पन्न होता है, कलह पैदा हो जाती है और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से ईर्ष्या करते हैं और हिंसा की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके वजह से राष्ट्र के कार्यों में अनेकों प्रतिबाधाएं आती हैं और राष्ट्र इन बाधाओं को सुलझाने समझाने में ही व्यस्त हो जाता है और अपने देश का विकास नहीं कर पाता। तो इस तरह से स्वतंत्र राष्ट्र को भी सांप्रदायिकता की चुनौतियों को जो सामना करना पड़ता है। हम दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फिराक होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर एक धार्मिक समुदाय के लोगों को एक समूह में इकट्ठा करके राजनीतिक प्रभुत्व अर्थात राजनीतिक शक्ति को जब प्राप्त करना चाहती है और शासन पर अपना अधिकार रखना चाहती है। शेष संप्रदाय के लोगों को उसमें थोड़ा सा भी सहभागिता नहीं देती। ऐसे परिस्थितियों में अल्पसंख्यक वर्ग या अन्य वर्ग अलग थलग पड़ जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है और वे या तो उसकी अधीनता को स्वीकार करें या तो अपने अलग राष्ट्र का क्या करें निर्माण करें। इतनी बड़ी समस्या सामने आ जाती है। तीसरा देखिए, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा क्या है रूप है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर जो है अपनाए जाते हैं। जब चुनाव का बिगुल बजता है, देश में चुनाव की परिस्थितियां सामने आती हैं, तो एक धर्म के लोग ठीक है चाहे हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और हम हिंदुत्व वाली पार्टी को ही अपना क्या करेंगे मतदान करेंगे। वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जैसे मुस्लिम वर्ग ईसाई वर्ग अपने अलग राजनीतिक दलों का जो चुनाव करते हैं और इस तरह से चुनाव के परिस्थितियों में विचार बढ़ जाते हैं और देश को विखंडित करने के रास्ते पर ला करके खड़ा कर देते हैं। कई बार सांप्रदायिकता चौथा कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा दंगा और नरसंहार जो है कराती है। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर जो क्या कराती है हिंसा कराती है। ठीक है, लोगों के बीच में संप्रदाय के आधार पर दंगा कराती है, नरसंहार होता है, कितने लोगों की हत्या हो जाती है, कितने लोग अपने जीवन को इस संप्रदाय के नीति के तहत कुर्बान कर देते हैं। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिकता दंगे हुए थे। जब 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने आज़ादी इतनी सरलता से नहीं दिया और उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अनेकों कठिनाइयों की सामना करनी पड़ी और अंत में आकर के संप्रदाय के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ और तब जाकर के यह भारत दो राष्ट्रों में विभक्त हो गया, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो इस स्वरूप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बंटवारा आपके सांप्रदायिक दंगे के आधार पर ही हुआ है। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। आजादी के बाद भी जो बड़े पैमाने पर अनेकों जो है सांप्रदायिक हिंसा हुई है जिसके वजह से दंगा नरसंहार और मारकाट जैसी विषम परिस्थितियां जो सामने आती और भारत को उस सांप्रदायिक हिंसा से जो जूझना पड़ा और अब जूझ करके उसका भी जो है सामना करना पड़ा, जिससे भारत का विकास जो है जो गतिशील रूप में होना चाहिए और उल्टा के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अतः सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर जो नहीं रह सकते हैं। जब सांप्रदायिक सोच जब सीमा से बाहर ज्यादा बढ़ने लगती है, अधिक उसका प्रचार प्रसार होने लगता है,
लोगों के दिल और दिमाग में ऐसी सांप्रदायिकता की भावनाएं जब बढ़ जाती हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते हैं। या तो वे नागरिक उस संप्रभुता प्राप्त करने वाले नागरिक की अधिकार को स्वीकार करें, या तो उस राष्ट्र से अलग हट करके अपने नए राष्ट्र का क्या करें, निर्माण करें। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा, या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र का क्या करना होगा, निर्माण करना होगा। तो या तो उस समुदाय के वर्चस्व के अहिंसा को स्वीकार करना होगा, नहीं तो अलग राष्ट्र का निर्माण करके अपने जीवन को जो है व्यतीत करना होगा। इस स्वरूप में सांप्रदायिकता लोगों के बीच में तो बंटवारा करती है, समाज को बांट देती है, देश को बांट देती है और सारे विकास को अवरुद्ध कर देती है, जो हमारे देश के लिए नहीं बल्कि किसी भी राष्ट्र के लिए यह सांप्रदायिकता एक अभिशाप बन जाती है। और अभिशाप बनकर के देश की प्रगति की, राष्ट्र की, नागरिकों की प्रगति की, प्रगति को रोकने का जो है कार्य करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह सांप्रदायिकता से संबंधित नोट्स अपना तैयार कीजिएगा और कॉपी में अच्छी तरह से लिख करके याद भी कर लीजिएगा। यह परीक्षा में पूछता भी है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, सांप्रदायिकता के तहत उत्पन्न होने वाली बाधाओं पर जो है प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर लिख करके आप अपने कॉपी के नोट्स में तैयार करके धर्मनिरपेक्ष शासन क्या दिया है, धर्मनिरपेक्ष शासन, धर्मनिरपेक्ष शासन का अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा हम आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताना चाहते हैं। इसके बारे में बताना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या होगा। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह होता है कि जिस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाई जाती है, उस देश के द्वारा अपने राज्य के संविधान के अधीन किसी भी धर्म को एक राष्ट्र धर्म के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि वह राष्ट्र या वह देश जो सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, समान सम्मान देता है और समान आदर जो है करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में न तो कोई धर्म बड़ा होता है और न ही कोई धर्म छोटा होता है, सबको समान अधिकार जो है प्रदान किया जाता है। तो आइए देखते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन क्या लिखेंगे, धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। सांप्रदायिकता जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, इसके लिए हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्या रही है, चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति क्या थे, सचेत थे, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। कौन सा मॉडल चुना, धर्मनिरपेक्ष शासन का जो मॉडल चुना। पहला लिख दिया है, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। अर्थात भारतीय राज्य के द्वारा अपने संविधान में किसी भी धर्म को एक राष्ट्रीय धर्म के रूप में अंगीकार अथवा स्वीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। ठीक उसके विपरीत जो भारत किसी भी धर्म को जो विशेष दर्जा या राष्ट्र का दर्जा जो है नहीं प्रदान करता है। दूसरा देखिए, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की क्या देता है, आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है। हमारे भारतीय संविधान में किसी भी धर्म के नागरिक, किसी भी धर्म को अपनाने वाले नागरिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपना पूजा प्रार्थना अर्चना कर सकता है, उसके इस कार्यों के बीच में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी भी वर्ग समुदाय के द्वारा या अन्य किसी भी विशेष व्यक्ति के द्वारा
द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसके लिए उसे आजादी दी गई है, स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है। तीसरा लिखे दिया है संविधान धर्म के आधार पर, इसके आधार पर संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को क्या करता है, अवैधानिक जय घोषित करता है। अगर हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से ईर्ष्या करता है, उसको नीचा दिखाना चाहता है, या इस्लाम धर्म जो है दूसरे अन्य धर्म को अपने से नीचा दिखाना चाहता है, या उसके तहत हिंसा करना चाहता है, द्वेष करता है, तो उसके इस विचार को भारतीय संविधान के द्वारा जो क्या किया गया है, अवैधानिक जो घोषित किया गया है, राष्ट्र के विरुद्ध घोषित किया गया है। चौथा देखिए, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए या समान भाव पैदा करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का जो है अधिकार देता है। जैसे यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता, छुआछूत की जो इजाजत हमारा भारतीय संविधान नहीं देता, इसलिए भारतीय संविधान में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का जो क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अतः धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा पर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की क्या है, बुनियाद है। यह विचार हमारे संविधान की क्या है, बुनियाद है। तुम्हें प्यारे बच्चों, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाई गई है, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। हमारे देश में न कोई धर्म बड़ा है और न ही कोई छोटा है, सभी धर्म एक समान है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। कोई भी नागरिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के उत्थान के पर कोई भी कार्य कर सकता है, दूसरे धर्म के नागरिक इसके कार्यों में कहीं किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होती है, क्या धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, क्या रूप तैयार कर लीजिएगा। जातिगत असमानताएं क्या दिया है, जातिगत असमानताएं भी देश में विसंगतियां उत्पन्न कर देती हैं, कठिनाइयां उत्पन्न कर देती हैं। जातिगत असमानताओं के बारे में अगर हम सही स्वरूप से विचार करें तो अन्य देशों में तो उतना देखने को नहीं मिलता है, या बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे देश में, हमारे भारत जैसे देश में, भारत जैसे विशाल जनसंख्या के बीच में, भारत जैसे विशाल भूभाग के बीच में बहुत अधिक मात्रा में जो जातिगत असमानताएं जो देखने को मिलती हैं। देखिए दिया भी है, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, लिंग और धर्म पर आधारित तो विभाजन दुनिया के अनेकों देशों में देखने को मिलता है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही, कहां पर, भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को, किसको, पेशा के वंशानुगत विभाजन को, पेशा से संबंधित अर्थात उनके पूर्वज जो भी पहले से परंपरा के रूप में व्यवसाय करके आए हैं, तो उनके उत्तराधिकारी वंशानुगत भी इसी पेशा को अपनाने का कार्य करते हैं। तो यह इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही रीति रूटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है, अर्थात वह अपने ही जाति के लोगों में अपनी बेटी की शादी अपने जात के
लोगों के बीच में या उनके लड़कों की शादी अपने जात के बीच में जो करने का कार्य करते हैं और रिश्ता बना करके एक दूसरे के साथ जो है बैठ करके उनके पक्ष में खाने का जो कार्य करते हैं, इसमें दूसरे जात के लोगों को समाहित नहीं करते। यह पुरानी परंपरा जो हमारे देश में या पुरानी या रीति रिवाज हमारे देश में एक जड़ पकड़ ली है और वह समाप्त लेने का नाम नहीं लेती। अन्य जात समूह में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है और न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी उनकी जात की पंक्ति में बैठकर दूसरी जात के लोग भोजन कर सकते हैं। उनकी पांच में बैठकर दूसरी जात के लोग जो भोजन नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भोजन जो है नहीं कर सकते हैं। सामुदायिक आयोजन में उनकी पांच में बैठकर दूसरी जात के लोग भोजन जो है नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में जाति जो हमारे देश में एक कुरूपता के रूप में जो है दिखाई देती है। और वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम विचार करें, यह वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था जो है अन्य जाति समूहों से भेदभाव करने, उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर क्या होती है, आधारित होती है। इसमें अत्यक्ष जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। अत्यक्ष का मतलब अपने से निम्न जातियों के साथ, अपने से छोटे जातियों के साथ जो है हमेशा जो है उनके साथ छुआछूत की जो भेदभाव किया जाता है। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए यह उन लोगों ने क्या किया, काम किया। यही कारण है कि एक महान विभूति जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त अर्थात जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए क्या किया, काम भी किया और सफलता भी उनको जो है प्राप्त हुई। लेकिन आज के वर्तमान समय में अगर हम विचार करें तो अब धीरे धीरे मानसिकता बदलती जा रही है और लोग जाति पाति को त्याग करके किसी भी दूसरे जाति में शादी भी कर लेते हैं, दूसरे जाति के लोगों के साथ हाथ मिला करके रिश्ता भी रखने का कार्य करते हैं और एक दूसरे से स्नेह करके जो है अपने जीवन के कार्य को संचालित करते हैं और कई किसी भी तरह से कोई भी विसंगतियां या छुआछूत की भावना या निम्न जातियों की भावनाएं जो सामने देखने को नहीं मिलती है। तो इस स्वरूप में जातिगत असमानताएं भी हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास में जो बाधा उत्पन्न करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जातिगत असमानताओं से संबंधित नुस्ख तैयार करके ठीक है इसके बारे में याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में जो आपसे पूछा जाता है, राजनीति में जात, कहां पर राजनीति में जात, राजनीति में जो जात का क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब देश में चुनाव का रिव्यूल बच जाता है और राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं तो इस स्वरूप में राजनीतिक दल अधिकांश रूप में गोपनीयता बना करके अपने जात की बिरादरी के वोटों की गणना करना प्रारंभ कर देते हैं और उनके साथ मिलना, उनसे वोट मांगना, अपने जात की प्रबलता को दिखाना, इस प्रकार की भावनाएं मतदाताओं के मन में जो भरना प्रारंभ कर देते हैं और समाज के जातिगत लोग भी उसी राजनीतिक दल को जो समर्थन देना चाहिए क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं।
इतना ही नहीं, आइए हम आपको छोटे अस्थायी स्वशासन के बारे में आपको बताते हैं। अस्थायी स्वशासन के बारे में ग्राम पंचायत के चुनाव को ले लीजिए। जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और गांव के प्रधान पद के प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में जब खड़े होते हैं तो उसी समय वे अपने मतों की गणना कर लेते हैं कि हमारे जाति के लोग इस गांव में कितने हैं, ठीक है, और उसी आस्था विश्वास के आधार पर चुनाव लड़ते हैं कि एक जात के लोग हम ही को वोट देंगे, दूसरे जात के लोगों को वोट नहीं देंगे। इस तरह से जातिगत भावनाएं हमारे राष्ट्र की एकता के बीच में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर देती है। देखिए अभी राजनीति ले जा, एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोग से उनके हितों का जो है कोई मेल नहीं होता। जो है कह रहा है कि एक जात के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, सामाजिक समुदाय का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और उनके हित जब उस जात के जितने लोग होते हैं उनके हित अथवा लाभ एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरी जाति के लोग से उनके हितों का जब कोई मेल नहीं खाता, कोई उनसे संबंध नहीं होता। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, राजनीति में जो जाति क्या कर सकती है, अनेक रूप ले सकती है। देखिए जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब वह पार्टियां रखती हैं कि हमारे चुनाव क्षेत्र में या हमारे विधानसभा के क्षेत्र में हमारे जाति के कितने सदस्यों की संख्या है और उसी बल पर वो चुनाव जीतने का उम्मीद रखते हैं कि ये जाति के लोग हमें अपनी जाति समझ करके मतदान करने का कार्य करेंगे, हिसाब रखते हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी क्या हो जाए, वोट मिल जाए। इस तरह से वोट जो मांगने का कार्य करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। दूसरा देखिए, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए, विश्वास प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को क्या करते हैं, उकसाते हैं कि तुम हमारे जात के हो, देखो वह दूसरे जात का है, ठीक है, इसलिए तुम हमें अपना वोट देना और हम तुम्हारे विकास के बारे में सोचने का जो कार्य करेंगे। तो इस तरह से जातिगत भावनाओं को उकसाने का जो कार्य करते हैं। तीसरा दिया है सार्वभौम वैश्य मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए क्या रहे हैं, सक्रिय हैं। लोगों को गोलबंद करने के लिए क्या रहे हैं, सक्रिय हैं। अरे सार्वभौम वैश्य मताधिकार, ठीक है, सार्वभौम वैश्य मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है। क्या विवश किया है कि राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए वे हमेशा क्या रहें, सक्रिय रहें। अगर सक्रिय नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे तो जनता उन्हें अपना मत नहीं देगी और उन्हें विजय जो है प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस स्वरूप में हमारा सार्वभौम वैश्य मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की नीति ने राजनीति में जो है राजनीतिक दलों को जो है पूर्ण से सक्रिय करने में जो क्या किया है, सचेत किया है, उन्हें जागरूक किया है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारण भी असरदार होते हैं। पर स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि दूसरे कारण भी उतने ही असरदार होते हैं जितने जाति की भावनाएं जो असरदार होती है। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो मतदाता जितना अपना जुड़ाव या जितना आत्मीयता
वही मतदाता कभी उससे अधिक जात से अधिक लगा या समर्थन जो है राजनीतिक दलों से रखते हैं। किससे रखते हैं? राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, ठीक है। एक ही समुदाय के लोग होते हैं, उसी समुदाय में कुछ लोग गरीब होते हैं और कुछ लोग अमीर होते हैं, लेकिन दोनों एक ही राजनीतिक दल को वोट नहीं देते। गरीब वर्ग के समुदाय दूसरे राजनीतिक दल को वोट देते हैं और वहीं अमीर वर्ग के समुदाय जो दूसरे राजनीतिक दल को जब वोट देने का कार्य करते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और उनके नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर असर जो निर्णय क्या होता है, असर होता है। तो इस स्वरूप में जो है राजनीति में जाति भी अपनी अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है और जात के आधार पर राजनीतिक दल चुनाव भी जीतते हैं, लेकिन यह निष्कर्षतः कह सकते हैं कि केवल जातिगत भावनाओं के आधार पर ही नहीं, कभी कभी उस वर्ग समुदाय के जात के लोग दूसरे राजनीतिक दल को पसंद करते हैं और उस दल के उम्मीदवार को वोट देने का जो है कार्य करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, राजनीति में जाति का क्या प्रभाव है और उसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है और इस स्वरूप में जात के आधार पर सरकार का कैसे गठन किया जा सकता है और मतदाता कैसे जात से अलग हट करके दूसरे राजनीतिक दल को वोट जो प्रदान करते हैं, इस पर हम लोगों ने विस्तारपूर्वक चर्चा किया और इस स्वरूप में राजनीति में जाति पर अपना नोट तैयार करके कापी को पूरा कर लीजिएगा और उसे याद कीजिएगा। तो इस आधार पर हमारा चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर आज पूरा हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि इसके अभ्यास कार्य को पूरा कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में न आवे, निसंकोच भाव से हमसे पूछने का जो प्रयास कीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम आपको नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे।